Hello student, today I am going to discuss about the causes of emergence of extremist poor economic policy of British government. Indian agriculture and industries suffered a major setback due to economic exploitation policy of British government. तो जो भारतीय कृषि और उद्योग जो ब्रिटिश सरकार है उसकी आर्थिक शोषण के क्या हो रहे थे, नीति के शिकार हो रहे थे. देयर इकोनॉमिक पॉलिसी पेट्रोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट. जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किसके हित में थी, किसके संरक्षण में थी, पूंजीवादियों के. ठीक है. द इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज रिमूव्ड, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी क्या कर दी गई थी, हटा दी गई थी फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स, विच कॉज अ हैवी लॉस टू इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज. द सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस मूवमेंट कंटिन्यूसली प्रिपेयर्ड. तो जो सोशल सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक जो मूवमेंट चल रहे थे वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली प्रिपेयर्ड इंडियन माइंड सेट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस. किसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट्स पीपल वर चार्ज विद द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. इसका क्या हुआ, आत्मसम्मान, ठीक है, सेक्रीफाइस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या ही भावना जागृत हुई. आर्य समाज एंड स्वामी दयानंद सरस्वती स्ट्रक द टेंडेंसीज ऑफ इनडिफरेंस, लेथर्जी एंड इन्फीरियोरिटी प्रिवलिंग इंडिया सोसाइटी एंड पॉलिटिकली अवेकन द फॉलोअर्स आर्य समाज. जो आर्य समाज एंड दयानंद सरस्वती थे वो किससे प्रभावित थे, वहाँ जो लेथर्जी, सुस्ती, हीनता, ठीक है, इनडिफरेंस, वैरुखी प्रचलित थी भारत में, भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिकली अवेकन द फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज. वो क्या कर रहे थे, आर्य समाज के अन्याय को जागृत कर रहे थे, प्रबुद्ध कर रहे थे. नेशनलिस्टिक कौन थे, लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष एंड एनी बेसेंट विद द एनकरेजमेंट from social and religious reform movements gave a direction to the national movement. उन्होंने क्या किया, एक नई दिशा दी इस मूवमेंट को. नेचुरल कैलामिटीज ड्रॉट एंड प्लग, नेचुरल जो प्राकृतिक आपदा आई इसमें सूखा और प्लेग था. क्या था, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी पीपल ऑफ इंडिया हैड टू फेस मैनी नेचुरल कैलामिटीज. मतलब लोगों को क्या करने पड़ रही थी, बहुत सी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा था. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड दिल्ली दरबार. मतलब इसी दौरान जब सूखा था बहुत बड़ी तादाद में, तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो कायमे बिजी थी, दिल्ली में एक बड़ा दरबार लग रहा था. देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन मुंबई इन 1896. मुंबई में 1896 में क्या हुआ था, प्लेग हुआ था. ड्यूरिंग दिस नेचुरल कैलामिटीज द 82 गवर्नमेंट वाज इनडिफरेंस. कैसा था गवर्नमेंट का जो नेचर कैसा था उस टाइम, वेरुखा था, विच इनरेज्ड इंडियंस, जो कि भारतीयों में क्या जगाया, रोष जगाया, क्रोध जगाया. इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग एंड फॉरेन रिवॉल्यूशन, क्या मतलब वेस्टर्न थिंकिंग का क्या प्रभाव पड़ता है और फॉरेन रिवॉल्यूशन. द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इनेबल्ड मैनी एजुकेटेड इंडियन टू कम अक्रॉस द वेस्टर्न रिवॉल्यूशनरी आइडियाज. मतलब बहुत से जो एजुकेटेड भारतीय थे वो क्या हुआ, किसके संपर्क में आए, वेस्टर्न क्रांति के, जैसे कि रोसिया, वॉल्टियर, मैजनी, बुरके, गारीवाल्डी वर द वंस हु इन्फ्लुएंस्ड द मोस्ट. क्या किया उन्होंने, इन्फ्लुएंस्ड किया इन्होंने बहुत ज़्यादा. ठीक है. द विक्ट्री ऑफ एविसिनिया ऑन इटली एंड स्मॉल कंट्री लाइक जापान्स विक्ट्री ऑन रसिया एंथ्यूज्ड द इंडियन विथ होप. मतलब जो एविसिनिया इटली की जो विक्ट्री थी, विजय था, और जापान की, उन्होंने क्या किया, भारतीयों में आशा उम्मीद जगाई. पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट. बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, लॉर्ड कर्जन इन 1905 डिवाइडेड बंगाल इन टू पार्ट्स फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ, मतलब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को कितने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है. डिवाइड द रूल, उनका क्या नियम था, फूट करो, फूट डालो, शासन करो. दिस वाज अ
कॉन्स्पिरेसी टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल, मतलब इनका एक ये षड्यंत्र था कि बंगाल के जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनको क्या करना, डिवाइडेड कर देना, तोड़ देना, एंड ब्रेक द बॉन्ड ऑफ यूनिटी, दोनों की जो एकता है इसको क्या करना, छिन्न भिन्न कर देना परमानेंटली। दिस कॉज्ड अ पोटेंशियल एक्सप्लोजिव सिचुएशन इन बंगाल, मतलब क्या हुआ, संभावित एक एक्सप्लोजन की, मतलब एक विस्फोटक स्थिति पैदा हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैज रिटन, ने लिखा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कॉज द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुए, आंदोलन ने एक उग्र रूप ले लिया। महात्मा गांधी एक्सेप्टेड इट इन, उन्होंने हिंदी स्वराज एक्सेप्ट किया इसमें, एंड दैट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द रियल अवेकनिंग टू प्लेस इंडिया, मतलब वास्तविक अवेकनिंग तब हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट एंड देयर सिस्टम ऑफ वर्किंग, जो द रियल एक्सटीरियर मस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, उन्होंने क्या किया, जो रियल एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट का प्रतिनिधित्व किया। वाज ऑब्जर्व इन महाराष्ट्र में देखा गया फॉर द फर्स्ट टाइम, गणेश उत्सव वाज ऑर्गेनाइज इन द पब्लिक डोमेन इन 1893, मतलब महाराष्ट्र में पहली बार गणेश उत्सव बनाया गया पब्लिक में कब, 1893, फॉर द फर्स्ट टाइम। सिमिलरली शिवाजी जयंती वाज सेलिब्रेटेड इन 1899 ऑन द लार्ज स्केल, और शिवाजी जयंती भी 1899 में बड़े पैमाने में बनाई गई। दीस इवेंट्स वर मीन्स ऑफ डेवलपिंग नेशनलिस्टिक फीलिंग, इन्होंने क्या किया, नेशनलिस्टिक फीलिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया में क्या जगाई। ड्यूरिंग 1896-97 दीज वाज अ सेवर डिस्कॉन्टेड अमंग पीपल, मतलब ऑफ महाराष्ट्र ओइंग टू द आउटब्रेक ऑफ प्लेग एंड ड्रॉट। प्लेग और ड्रॉट के कारण बहुत से लोगों में बहुत बड़े पैमाने में क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ। ठीक है, लाला लाजपत राय लेड द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन पंजाब, कहाँ से उन्होंने अपना नेतृत्व किया, पंजाब से। ही इंस्पायर द पीपल टू स्ट्रगल बाय मेकिंग अपील थ्रू द न्यूज़पेपर काशिया समाचार इन बंगाल। द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिगन एज रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो क्या हुआ है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ किसके कारण, पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण। पब्लिक मीटिंग वर कंडक्टेड, पब्लिक मीटिंग बिठाई गई, एंड प्रोटेस्ट वर स्टेज्ड, प्रोटेस्ट जो विद्रोह का मंचन किया गया किसके खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बिपिन चंद्र पाल वेंट ऑन अ नेशन वाइड टू टू अवेकन द इंडियन, वो भी एक टूर के दौरान क्या किए, इंडियन को अवेकन किए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट, मतलब जो इंडियन न्यूज़पेपर और मैगजीन, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इन प्रोमोटिंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। द मोड ऑफ वर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट्स, कैसे थे, मॉडरेट से थोड़े से डिफरेंट थे एक्सट्रीमिस्ट। दे बिलीव इन सेक्रीफाइस एंड मार्टिरडम, किसमें, त्याग और बलिदान पर विश्वास रखते थे। एज अ मीन्स टू अचीव फ्रीडम, मतलब जो साधन को अचीव करने के लिए, स्वतंत्रता, बॉयकॉट, स्वदेशी एंड इंडियन एजुकेशन वर देयर थ्री वेपन्स, क्या थे इनके, तीन हथियार थे, विच दे यूज फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश क्लचेस, जिसको यूज करके क्या कर सकते थे, ब्रिटिश के चुंगल से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। दीस लीडर्स यूज द वर्ड स्वदेशी, कौन सा शब्द यूज किया, स्वदेशी और सेल्फ गवर्नेंस इन अ डिफरेंस कैनोशन, दूसरे अर्थ में। वाई सेल्फ गवर्नेंस दे नॉट ओनली मीट ऑब्टेनिंग द पॉलिटिकल राइट, इसका मतलब ये नहीं कि ना केवल राजनीतिक अधिकार, बट आल्सो एस्टेब्लिशिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम विच वुड हेल्प द इंडियंस टू प्रोग्रेस, क्या करना है, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रणाली भी स्थापित करना है ताकि भारतीय प्रोग्रेस उन्नति में क्या मिले, मदद हो सके। द एक्सट्रीमिस्ट जो रेडिकल नेशनलिस्ट उग्र राष्ट्रवादी थे वर स्टॉन्च सपोर्टर्स, क्या थे वो, कट्टर किसके, बॉयकॉट के एंड सेल्फ रूल के। बाय बॉयकॉट दे नॉट ओनली मीन टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, इसका मतलब ये नहीं कि केवल विदेशी सामान का ही बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है, बट ऑल्सो द बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अवार्ड्स, किसका, जो सरकारी भर्तियां हैं उनका भी बायकॉट, संस्थाएं हैं, अवार्ड्स हैं, इनाम हैं, सबका क्या करना, बहिष्कार करना। सेल्फ रूल वॉज करस्पॉन्डिंग टू बॉयकॉट, सेल्फ रूल भी इसके क्या थे, बॉयकॉट के अनुरूप थे। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी द आइडिया दैट इट
इफ आई आउटफ्लो ऑफ मनी एंड पॉवर्टी हैड टू बी कर्व्ड, अगर क्या होगा, मनी का आउटफ्लो होगा एंड पॉवर्टी हैड टू बी, जो गरीबता निर्धनता पनपेगी, द लोकली मेड गुड्स शुड बी यूज्ड, तो हमें क्या करना चाहिए, जो स्थानीय स्वदेशी माल है उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए अधिक से अधिक, एंड यूज ऑफ लोकल गुड्स, जो लोकल गुड्स है उसका यूज क्या होगा, हमें बिकम सिनोमस ऑफ नेशनलिज्म, वो क्या बनाएगा, राष्ट्रवादी बनाएगा। द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट रन बाय रेडिकल नेशनलिस्टिक गेंड एनोरमस सक्सेस। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन ने क्या किया, उग्र उग्र जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या किया, गेंड एक विशाल सफलता प्राप्त करवाई एंड प्रूव टू बी ए बून फॉर इंडियन को, ये जो कुटीर उद्योग उनके लिए क्या एक वरदान सिद्ध हुआ। अ नेशनल कॉर्पस ऑफ फंड वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट, जो नेशनल कॉर्पस एक कोष रहता है उसको क्या बनाया उनने, कॉटन इंडस्ट्री के लिए, विकास के लिए बनाया। वेरी सून स्कूल एंड कॉलेज बिकम द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, वो भी इस मूवमेंट के क्या बन गए, केंद्र बन गए। इंग्लिश एजुकेशन वाज अ बैरियर इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियंस, मतलब भारतीयों के विकास में क्या हो गई, इंग्लिश एजुकेशन एक बैरियर हो गई, एक बाधा बन गई। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट अटेम्प्ट टू द प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, इसके द्वारा क्या किया उन्होंने, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम वाज टू प्रोवाइड एजुकेशनल, ऑब्जेक्टिव जो उसका उद्देश्य था नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम का क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना विच वुड सपोर्ट नेशनल, जो क्या हो सके, नेशनल वेलफेयर हो सके, राष्ट्रीय कल्याण हो सके। इससे एम टू अचीव नेशनल वेलफेयर, राष्ट्रीय क्या प्राप्त करना, कल्याण। आ नेशनल एजुकेशन काउंसिल वाज स्टेब्लिश, जो राष्ट्रीय एजुकेशन परिषद क्या की गई, स्थापित की गई। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट लीडर एडोप्टेड अ पॉलिसी नॉन कोऑपरेशन, क्या उन कौन सी पॉलिसी उनने अपनाई, असहयोग की, किसके जगह, सहयोग की जगह, किसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। दिस पॉलिसी वाज कन्वर्टेड इनटू मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट नेवर रिसोर्टेड टू पाथ ऑफ वायलेंस, वो उन्होंने कभी वायलेंस का क्या नहीं लिया, सहारा नहीं लिया। एंड स्टेज्ड ऑन क्रिएटिव प्रोग्राम इन ऑर्डर टू मेक द मास मूवमेंट, मतलब जन आंदोलन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक क्रिएटिव प्रोग्राम, मतलब एक क्रिएटिव प्रोग्राम पर क्या किया, बल दिया, जन आंदोलन पावरफुल बनाने के लिए, इम्पैक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। एंड दिस कैन बी सीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, जो देखा जा सकता है इसको महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में। दे लॉन्च बॉयकॉट, उन्होंने बॉयकॉट लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी, इस्टेब्लिश नेशनल एजुकेशन काउंसिल, दस स्टेज ऑन क्रिएटिव प्रोग्राम एंड रीइंफोर्स्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑन इनहेरेंट क्वालिटीज लाइक स्टीम, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इज एन इन एन इंडिविजुअल। द मैन लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, मैन लीडर कौन कौन थे, देयर वॉज अ ट्राय ऑफ लाल बाल पाल हु ड्रोव द नेशनल मूवमेंट इन डेफिनाइट डायरेक्शन बाय एक्सपोजिंग द नॉन एक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिसकॉन्टेंट ऑफ कॉमन इंडियन, मतलब उन्होंने जो नॉन एक्शन गवर्नमेंट का था और भारतीयों में जो असंतोष था उसको एक्सपोज किया और क्या किया, एक नया दिशा दी। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक हैव द क्रेडिट टू अवोकन द इंडियन, मतलब इनको क्या जाता है, भारतीयों को जागृत करने का क्रेडिट जाता है। एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और इन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पेट्रोटिज्म एंड करेज की फीलिंग क्या की, डेवलप की, विकसित की। तिलक इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, तिलक जी को क्या कहा जाता है, एग्रेसिव के फादर कहा जाता है। हिज पॉलिटिकल थिंकिंग वॉज वेरी इवेंचुअली इन्फ्लुएंस, क्या थी, प्रभावित थी बाय हिज रिलीजियस थिंकिंग। हिज बिलीव्स वर फर्मली प्लेस्ड इन नेचुरल राइट, मतलब कठोरता से क्या कह सकते हैं, नेचुरल जो अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को उसको क्या कह जाता है, प्लेस किया जा सकता है। ही गेव द प्रोक्लेमेशन, उन्होंने एक घोषणा दी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म से अधिकारों में से लेके रहूँगा, किसने कहा था, तिलक ने।
ही फोर्ट फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नेंस. ही फोर्ट किसके लिए? फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नेंस. ऑल हिज लाइफ, उनकी पूरी जीवन उन्होंने फ्रीडम और सेल्फ गवर्नेंस के लिए क्या किया? लड़ाई की. ही इंस्पायर्ड द यंगस्टर टू स्ट्रगल. उन्होंने यंगस्टर को भी स्ट्रगल के लिए फेयरलेसली निर्भयता से तैयार किया लड़ने के लिए. एंड प्रिपेयर टू सेक्रीफाई फॉर द कंट्री. कंट्री को सेक्रीफाई करने के लिए भी तैयार किया. अनदर एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट बिपिन चंद्र पाल वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ऑरेटर. क्या थे? ऑरेटर थे एंड एकम्प्लिस्ड जर्नलिस्ट थे एंड एक एजुकेशनिस्ट थे. ही वॉइस हिज ओपिनियंस थ्रू न्यू इंडिया. उनकी जो वॉइस और उनकी राय किसमें थी? इन न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम. पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग हिज थिंकिंग. मतलब जो बंगाल का विभाजन था उनकी थिंकिंग को एक रूप दिया था टूवर्ड रेडिकल नेशनलिज्म. बिपिन चंद्र पाल प्लेड अ मेजर रोल इन नेशनल अवेकनिंग इन बंगाल. बंगाल में राष्ट्रीय अवेकनिंग में उन्होंने मेजर रोल अपना अदा किया, अहम किया. लाला लाजपत राय वॉज अगेंस्ट मॉडरेट थिंकिंग द एक्शन इन कांग्रेस. मतलब वो मॉडरेट थिंकिंग के क्या थे? खिलाफ थे. ही प्रोटेस्टेड वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का विद्रोह किया. ही उनके खिलाफ थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के. ही बिलीव्ड दैट स्वराज वॉज एसेंशियल. उन्होंने क्या विश्वास था? कि स्वराज आवश्यक है राष्ट्रीय विकास.